हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हैशटैग पहाड़ी नौकरी, जहां पर आपको पहाड़ में निकली हुई नौकरियों और एजुकेशन के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। इसके साथ साथ एक एक्साइटिंग वीडियोस मैं शाम को अपलोड करने वाला हूं, तो इसलिए मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें और क्या करना है आप खुद ही जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो गाइज, आज की जो जॉब की न्यूज है वो काफ़ी खुशखबरी वाली है। एक के साथ एक और बैक टू बैक गुड न्यूज है, ठीक है, कि 9 साल बाद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे 33% पद। उत्तराखंड में वन दरोगा की भर्ती इसी माह होने वाली है, तो ये गुड न्यूज है। इसके बारे में चलिए हम डिटेल में जानते हैं और इसके साथ साथ कौन कौन सी और गुड न्यूज है उसके बारे में भी जानते हैं कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा कर्मचारी चयन आयोग इसी माह वन दरोगा फॉरेस्ट यानी कि 316 पदों की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करने वाला है, जो कि ये भर्ती 9 साल बाद आ रही है। भाई थोड़ा जल्दी कर लिया करो, ठीक है। आयोग के सचिव संतोष बड़ोनी ने बताया कि फॉरेस्ट के 300 पदों के साथ पशुधन प्रसार अधिकारी, रेशम प्रदर्शक और निरीक्षक रेशम समेत 420 पदों पर भी विज्ञप्ति निकाली जाएगी, यानी 316 + 420, ठीक है। अब सिर्फ सॉफ्टवेयर में कुछ तकनीकी बदलाव किए जाने हैं, मतलब इस माह में दिसंबर तक गुड न्यूज आने वाली है, ठीक है। फॉरेस्ट पदों के लिए जो हमारी क्वालिफिकेशन होगी वो इंटरमीडिएट साइंस के साथ या फिर कृषि विषय के साथ होगी, और जो एज की लिमिटेशन होगी वो 21 से 28 साल के बीच में होगी। और इसके साथ साथ अभ्यर्थियों को शारीरिक परीक्षा से भी गुजरना होगा। पुरुष अभ्यर्थियों की 4 घंटे में 25 किलोमीटर और महिलाओं के लिए 4 घंटे में 14 किलोमीटर की दौड़ अनिवार्य। तो मतलब ये अच्छी गुड न्यूज है कि फॉरेस्ट गार्ड की मतलब वन दरोगा की भर्ती जल्दी आने वाली है, वो भी इसी माह। और एक दूसरी और ये अपडेट है वो है कि लेखाकारों की भर्ती जल्दी होने वाली है, यानी कि मतलब फॉरेस्ट की वन दरोगा के साथ साथ आपको इस महीने में लेखाकारों की भर्ती, जनरल अकाउंटेंट्स की भर्ती भी जल्दी देखने को मिलेगी। मतलब आयोग सहायक लेखाकारों, कनिष्ठ सहायकों के 500 पद जनवरी में विज्ञप्ति, मतलब बैक टू बैक जनवरी के दिसंबर के बाद जनवरी में मतलब नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। आयोग के अफसरों तैयारी भी शुरू कर दी है। सचिव संतोष बड़ोनी ने बताया कि फॉरेस्ट की विज्ञप्ति होने के बाद सहायक लेखाकार और कनिष्ठ सहायकों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छी गुड न्यूज है, ठीक है। विभाग ने फॉरेस्टरों के पदों पर प्रस्ताव भेज दिया गया है, ठीक है। इसमें सारे जितने भी नियम कानून और नोटिफिकेशन वगैरह हैं सारे भी अपडेट्स कर लिए गए हैं, बस थोड़ी ही होने वाली बाकी है। तो तैयार हो जाइए दोस्तों कि दिसंबर प्लस जनवरी मतलब एंड गुड न्यूज़ और एंड के बिगिनिंग ऑफ न्यू ईयर में गुड न्यूज़ हमारे उत्तराखंड के लिए आने वाली है। तो आई होप सो आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो एक तो एक बटन को एक लाइक के बटन को दबा दें, क्योंकि इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।